हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिपल सी दिसंबर का एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा है। जिनका भी कल एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। स्टूडेंट्स, आपके सपोर्ट के लिए मैंने यहां पर अपनी ईमेल आईडी abhayexcelcomputer@gmail.com और अपना व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया है। अगर अभी भी आपको ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत हमसे संपर्क करिएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान मैं जरूर करूंगा। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम बाद जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उनको सेंड करने के काम में आएगा, और एग्जाम बाद आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए रहे आप उसे हमें ईमेल आईडी, व्हाट्सएप या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके जरूर सेंड करिएगा, ताकि उन क्वेश्चन से जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम है मैं उनकी हेल्प कर सकूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। आज की जो क्लास है ये आपकी ट्रिपल सी मैराथन क्लास है। आज की क्लास में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। जो ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार पूछे आते हैं उन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहां पर मिलेगा 50+ क्वेश्चंस का। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिनका भी एग्जाम दिसंबर में है उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करना है ट्रिपल सी टॉप तो वीडियो लास्ट तक देखना जरूर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आप आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, लिंक्डइन कब लॉन्च किया गया? 2002, 2003, 2004 या 2005? तो लिंक्डइन कब लॉन्च किया गया, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आप देते रहिए। तो कब लॉन्च किया गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 2003। 2003 में लिंक्डइन को लॉन्च किया गया था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यह आता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, लिंक्डइन है आपका, जहां पर आप जॉब के लिए सर्च कर सकते हो, या आपकी कोई कंपनी है तो उस कंपनी में कोई वैकेंसी खाली है तो उसके लिए भी आप वहां पर शो करा सकते हो, और इसके अलावा आप अपनी सीवी भी पोस्ट कर सकते हो और जिस भी कंपनी को आपकी जरूरत होगी वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी और इस तरीके से आप जॉब को पा सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या है? Alt+Ctrl+O, Ctrl+End, Ctrl+Home या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर कैल्क ओपन कर लेते हैं हम, और आपके सामने विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे अंतिम एडिटेड सेल में हम जा सकते हैं। देखिए कैल्क आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। एक वीडियो अभी 9 बजे मैं पोस्ट करूंगा जहां पर लिब्रा ऑफिस कैल्क से रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को आपको समझाऊंगा जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपकी रात में ही 9 बजे होगी, तो जिनका भी एग्जाम है वो उस क्लास को भी जरूर अटेंड करेंगे। देखिए यहां पर अगर आप कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करते हो, क्या प्रेस करते हो, कंट्रोल एंड, कंट्रोल होम करते हो, तो क्या होता है कि आप फर्स्ट कॉलम पे जा सकते हो, ठीक है। अब यहां पर मैंने कुछ लिखा, ठीक है, यहां पर अब है एक्सेल लिखा गया, ठीक है। इसके बाद अगर यहां पर आप कंट्रोल, क्या दिया था यहां पर, कंट्रोल आल्ट और ओ, कंट्रोल आल्ट ओ करते हो तो ये कोई रिस्पांस मिला, नहीं मिला। लेकिन कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करिए तो देखिए आप कहां पर चले गए, जहां पर लास्ट टाइम आपने वर्क किया था, है ना। लास्ट टाइम वर्क कहां किया था, इसी में एडिट किया था, इसी सेल में। तो कंट्रोल के साथ में एंड करने पर आप उस सेल पे चले जाओगे जहां पर लास्ट टाइम पे आपने एडिट किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। अब नेक्स्ट,
क्या Ubuntu को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है? यस, नो, आंशिक या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या Ubuntu को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यस। जी हाँ, Ubuntu को एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, Ubuntu प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनक्स डिस्ट्रोस है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो Ubuntu प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनक्स डिस्ट्रोस है, ये बिल्कुल सही है आपका, ट्रू। अब नेक्स्ट, यांडेक्स क्या है? वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट या ईमेल। एग्जाम में सर्च इंजन, वेब ब्राउजर्स और सोशल नेटवर्किंग साइट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर मैंने मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बारे में आपको समझाया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यांडेक्स क्या है आपका? यांडेक्स आपका एक ब्राउजर है। क्या है ये? आपका ब्राउजर है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में A1 प्लस A2 का मान कितना होता है? 5, 0, 1 या फिर has। तो देखिए यहां पर ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इक्वल A1 प्लस A2 और इंटर कर देते हैं तो कितना आंसर आता है? 0 आता है, क्योंकि यहां पर देखिए A1 में कुछ भी लिखा है? नहीं लिखा है। A2 में कुछ भी लिखा है? नहीं लिखा है। इसीलिए यहां पर इक्वल A1 प्लस A2 करने पर आंसर जो मिलता है वो क्या होता है आपका? 0 होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, 0। अब नेक्स्ट, मेल बॉक्स में मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? मेल बॉक्स में मेल लाने के लिए, है ना, POP2, POP3, IMAP या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो मेल बॉक्स में मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, POP3, है ना। मेल लाना मतलब मेल रिसीव करना, है ना, डाउनलोड करना। ये क्वेश्चन भी आता है कि मेल बॉक्स में मेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा? POP3। अब POP3 का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहां पर IMAP है, IMAP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है IMAP का फुल फॉर्म। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, EITS स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सर्विस या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी ट्रांसफर सिस्टम। तो जल्दी बताइए क्या होता है EITS का फुल फॉर्म। एग्जाम में काफी फुल फॉर्म पूछे आते हैं, अक्टूबर में और सितंबर में बहुत ज्यादा फुल फॉर्म पूछे गए थे और नए नए फुल फॉर्म भी पूछे आ रहे थे एग्जाम में, साथ ही साथ पुराने फुल फॉर्म भी पूछे आ रहे थे। इसीलिए एग्जाम से पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस फुल फॉर्म आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां पर दिया है EITS, तो EITS का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे भी दिया है, जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो EITS इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम, ओके। अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस हो सकता है? 1 MB, 10 GB, 1 GB या 1000 MB, तो बताइए क्या होता है। तो डिजिटल लॉकर में अधिकतम 1 GB का स्पेस हो सकता है, कितना हो सकता है?
एक जीबी का स्पेस आपका हो सकता है। अब है G2C स्टैंड फॉर। G2C का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटी एंड ए एंड बी दोनों। तो G2C का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट टू सिटीजन भी होता है और गवर्नमेंट टू कंज्यूमर भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट, वाईफाई में FI क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, फिडेलिटी, फीचर्स या उपरोक्त सभी। तो वाईफाई में FI क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, फिडेलिटी, है ना, फिडेलिटी आपका होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा आता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P, Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+P या Ctrl+F3। तो लिब्रो ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, Ctrl+Shift+O। Ctrl+Shift+O का उपयोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अब नेक्स्ट, इक्वल मॉड 25.6 का मान कितना होगा? 31, 150, 1 या 19। तो इक्वल मॉड 25.6 का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1। ठीक है, यहां पर देखिए आपको दिखाते हैं इक्वल मॉड 25.6 ब्रैकेट क्लोज देन इंटर, कितना आंसर आता है? 1 आता है। कल रात में 9 बजे एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था जहां पर लिब्रा ऑफिस कैल्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको बताए थे जो CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जिनका भी एग्जाम है वो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सब कुछ मिलता रहे, क्योंकि अब एग्जाम का सीजन है, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो कभी भी वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूं। जो क्लासेस की टाइमिंग है सुबह 7 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 8 बजे, है ना, इसके अलावा भी 10 बजे भी क्लास है आपकी और 9 बजे भी क्लास है, तो इन सभी पे वीडियो अपलोड हो सकता है। अगर इसके अलावा मेरे पास टाइम होगा तो अदर टाइम पर भी वीडियो अपलोड हो सकता है, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा यहां पर? 1। अब नेक्स्ट, फार्मूला राउंड 17,342 -5 का मान कितना होगा? 34, 68, 0, 17,345 या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर यहां पर देखते हैं, इक्वल राउंड, कल एक्सप्लेन किया था मैंने इसको, 17,342 -5 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो आंसर कितना आता है इसका? 0 आता है। अब नेक्स्ट, चीन का सर्च इंजन है DuckDuckGo, Baidu, Google या Ask.com। चीन का सर्च इंजन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, Baidu। Baidu चीन का सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, UPI पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 4, 6, 5 या 3। तो UPI पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 6। ठीक है ना, UPI पिन की अधिकतम लंबाई 6 कैरेक्टर्स की या 6 डिजिट की होती है। अब नेक्स्ट, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कमांड का या किस कोड का प्रयोग करते हैं? *99#, *99*99#, *099# या *123#। तो QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए हम उपयोग करते हैं *99*99#। अब नेक्स्ट, आउटलुक में कितने MB का अटैचमेंट किया जा सकता है? 20, 25, 40 या 35। तो बताइए आउटलुक में कितने MB का अटैचमेंट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 20 MB का।
आउटलुक में आप 20 MB का अटैचमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये पूछता है कि जीमेल में कितने एमबी का अटैचमेंट कर सकते हैं, तो जीमेल में आप 25 MB का अटैचमेंट कर सकते हो। याहू मेल में कितना कर सकते हैं, तो याहू मेल में भी आप 25 MB का कर सकते हो, लेकिन आउटलुक में आप 20 MB का ही अटैचमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? 0.89, 0.18, 5 या 6.62। तो कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 0.18। ठीक है, अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, मशीन को बुद्धिमान बनाना, अपनी बुद्धिमानी से की गई प्रोग्रामिंग, या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये है आपका मशीनों को बुद्धिमान बनाना। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, मशीनों को बुद्धिमान बनाया जा रहा है, जिसका अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे आप देखते हैं कैमरे, है ना, कि अगर कहीं पर लाइट की आवश्यकता नहीं है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ हो जाता है, और लाइट की आवश्यकता है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन हो जाता है ना। अब नेक्स्ट, अमेज़न किस सेगमेंट के अंतर्गत आती है? B2B, C2B, B2C या B2G? तो अमेज़न किस सेगमेंट के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, B2C। ये B2C के अंतर्गत है। अब B2C का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसके अलावा यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं कि B2B का फुल फॉर्म क्या है, C2B का फुल फॉर्म क्या है, और B2G का फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई? यहां पर दो दो बार नोट डाउन हो गया है, इसको हटा देते हैं। 2006, 2007, 2010, 2009, तो कब हुई थी बताइए ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 2006। 2006 में ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? 23 नवंबर 2016, 30 दिसंबर 2016, 23 नवंबर 2017 या फिर नन ऑफ दिस। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया, जल्दी बताइए। तो उमंग ऐप आपका लॉन्च किया गया था 23 नवंबर 2017 को। कब लॉन्च किया गया? 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप आपका लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, गलती से डिलीट हुई ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रैश का उपयोग करते हैं, ट्रू या फिर फाल्स? तो मान लीजिए कोई ईमेल आपसे गलती से डिलीट हो गई है, तो वो कहां पर स्टोर होती है, यही यहां पर पूछा रहा है। तो कहां स्टोर होती है, कोई भी मेल अगर आपने गलती से या जानबूझकर भी आपने डिलीट कर दी है, यही नहीं कि गलती से डिलीट हुई है तो ट्रैश में जाएगी, और जानबूझकर डिलीट किया है तो ट्रैश में नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता है। डिलीट हुई ईमेल आपकी ट्रैश में जाकर स्टोर हो जाती है। कहां स्टोर होती है? ट्रैश में। तो ट्रैश से उसे फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, वही यहां पर पूछा गया है, तो बिल्कुल ट्रू है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, NEFT की टाइमिंग क्या है? 9 AM टू 4 PM, 9 AM टू 2 PM, 10 AM टू 4 PM या 24 आवर्स? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो NEFT की टाइमिंग क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 24 आवर्स। पहले इसकी टाइमिंग कुछ और थी, लेकिन अभी हाल ही में 2 दिसंबर को NEFT की टाइमिंग को 24 आवर्स कर दिया गया है। इस सर्विस को आप कभी भी किसी भी समय इस सर्विस का लाभ उठा सकते हो। ठीक है, NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा आता है। तो NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है NEFT का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, RTGS के द्वारा ट्रांजेक्शन की मिनिमम लिमिट क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख से भी ज्यादा?
तो आरटीजीएस द्वारा ट्रांजेक्शन की मिनिमम लिमिट कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए है उसकी मिनिमम ट्रांजेक्शन की लिमिट। अगर 2 लाख रुपए से कम आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आरटीजीएस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म। अब आगे नेक्स्ट, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? यूनिबैक, एबीसी, आईबीएम 205 या इंटेल 4004? पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, सॉरी ऑप्शन फोर्थ, इंटेल 4004। अब यहां पर यूनिबैक की, आईबीएम की, इंटेल की बात हो रही है, तो इनके बारे में भी आप जान लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको समझा देते हैं। पहले यूनिबैक को देखिए, तो व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए यूनिबैक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। देखिए, हर लाइन से आपको क्वेश्चन बनाना होगा तभी आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। तो यूनिबैक कंप्यूटर का निर्माण किस लिए हुआ? तो व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए हुआ था। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिबैक फर्स्ट का निर्माण 1954 में जीईसी ने किया था। तो एक क्वेश्चन यहां से कि पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है, तो यूनिबैक फर्स्ट हो जाएगा आपका आंसर, है ना? पहला व्यापारिक कंप्यूटर यूनिबैक फर्स्ट, इसका निर्माण कब हुआ? 1954 में, और किसके द्वारा हुआ? तो जीसी नामक कंपनी ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, पहला व्यापारिक कंप्यूटर, उसका निर्माण और किसने किया था। अगला पॉइंट आता है माइक्रो प्रोसेसर का। तो इंटेल नामक कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का आविष्कार, तो किस कंपनी द्वारा बनाया गया था पहला माइक्रो प्रोसेसर? तो इंटेल नामक कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? इंटेल नामक कंपनी द्वारा। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 4004। और कब बनाया गया था? तो सन 1970 में। ये देखिए, 3 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए, किस कंपनी से, कौन सा है और कब बनाया गया? तो 1970 में। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप पढ़ा करिए, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चंस को लिंक करके, तो वहां पर आपको आसानी से याद हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपको मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका एएमओ एलईडी का पूर्ण रूप। एएमओ एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक्टिव मीटर ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक्सेस मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक्टिव मैट्रिक्स ओरिजिनल लाइट इमिटिंग डायोड, एएमओ एलईडी। तो एएमओ एलईडी का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन क्या है? एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क, एक प्रकार के क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन लेन देन करना या एक केंद्रीकृत ऑनलाइन खाता। क्या है ब्लॉकचेन, बताइए? तो ब्लॉकचेन आपका है एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क। क्या है? एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क है आपका। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? AMJ 1048576, XFD 1048576, AMJ 1024 या XFD 1024। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस, देखिए यहां पर कैल्क आपके सामने ओपन कर लेते हैं और लास्ट सेल की आप एड्रेस की बात करिए। ठीक है, तो यहां पर आपको ले चलते हैं लास्ट सेल पे, तो AMJ देखिए हो गया, और अगर आप डाउन कर दें तो यहां पर आप देख सकते हो, जूम करके दिखाते हैं, कितना है आपका 1048576, ये आपका लास्ट सेल, और इसका एड्रेस देखो तो AMJ 1048576 आपका होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, AMJ 1048576। अब नेक्स्ट,
टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन या शिफ्ट प्लस कॉलन। टाइम और डेट ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा आता है। तो टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। अब नेक्स्ट, राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? 300%, 3000%, 400% या 600%। राइटर में अधिकतम जूम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, 600%। राइटर में अधिकतम जूम होता है 600%। अब नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में ऊपर स्लाइड पर जाने की लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन, कंट्रोल प्लस अप एंड कंट्रोल प्लस डाउन। तो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में ऊपर स्लाइड पर, मतलब स्लाइड में ऊपर जाने के लिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कंट्रोल प्लस अप। जैसे एक स्लाइड है, ऊपर वाली स्लाइड पर जाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस अप का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? जीयूआई, सीयूआई, सीआईयू या नन ऑफ दीज। तो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, सीयूआई। अब सीयूआई का फुल फॉर्म क्या है और जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीयूआई का फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और जीयूआई का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है? बताइए, सीसी, बीसीसी, टू या सब्जेक्ट। तो ईमेल भेजते समय जो सब्जेक्ट वाली लाइन है वो संदेश की विषय वस्तु को बता देती है कि क्या आपने सेंड किया है। अगर आपने उसमें लिखा है तो, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं बताएगा। अब नेक्स्ट, किसके माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं? फोरम, वेब मेल इंटरनेट, मैसेज बोर्ड या वेब लॉग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, वेब मेल इंटरनेट। ठीक है ना, इसके माध्यम से आप कहीं पे भी ईमेल सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट, अनैच्छिक अर्थात इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहते हैं? हुक्सेस, इनबॉक्स, साइबर बुली या जंक ईमेल। तो अनैच्छिक ईमेल को हम कहते हैं जंक ईमेल, या फिर इसे स्पैम भी किया जाता है। ठीक है ना, स्पैम कहते हैं, स्पैम मेल। अब नेक्स्ट, किसी इंप्रेस प्रेजेंटेशन फाइल का पुनः नामकरण किया जा सकता है जब वह फाइल खुली हो? तो किसी भी इंप्रेस प्रेजेंटेशन फाइल का उस समय हम नामकरण नहीं कर सकते हैं, उस समय उसका नेम चेंज नहीं कर सकते हैं जब वह फाइल खुली हो। सिर्फ इंप्रेस ही नहीं, कोई भी फाइल हो, कहीं की भी फाइल हो, अगर वो ओपन है तो उस समय उसका नाम चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? फाल्स। अब नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में एक ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट होल्ड कर सकता है उसे प्लेस होल्डर कहते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में एक ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट होल्ड कर सकता है वो आपका क्या है? बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, उसे प्लेस होल्डर ही कहते हैं। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो जी हां, बिल्कुल सही है, इंप्रेस में आप स्लाइड्स को रीनेम कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में कितनी मीनू होती हैं? 12, 10, 8 या 7। लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में मीनुओं की संख्या, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 10 मीनू होती हैं। अगर आपसे यह पूछता है लिब्रा ऑफिस राइटर में और लिब्रा ऑफिस कैल्क में मीनुओं की संख्या, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क और राइटर में 11 मीनू होती हैं, जबकि इंप्रेस में 10 मीनू होती हैं। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? F3, कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2 या F2। इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस की का प्रयोग करते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ F2। F2 का प्रयोग करते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+C+V, Ctrl+Alt+C+V, Ctrl+Alt+V एंड नन ऑफ दीज। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, है ना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, Ctrl+Alt+C+V का उपयोग करते हैं पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? PDF, BMP, GIF या ऑल ऑफ दीस। तो इंप्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को हम PDF, BMP और GIF इन सभी में कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। अब नेक्स्ट, वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? यूजर नेम, वेब पेज, वायरस या पासवर्ड। तो वह गोपनीय कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है वो है आपका पासवर्ड। क्या है? पासवर्ड कहलाता है। अब नेक्स्ट, BCC का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीइंग कंप्यूटर कॉपी, बेस कार्बन कॉपी या बेसिक कंप्यूटर कॉपी। तो BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है आपके BCC का फुल फॉर्म। अगर आपसे ये पूछता है कि CC का फुल फॉर्म क्या है, तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। और ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? तो ईमेल से रिलेटेड होते हैं। अब नेक्स्ट, वेबसाइट एड्रेस का एक यूनिक नाम है जो वेब पर किसको पहचानने में काम आता है? तो वेबसाइट एड्रेस किसको पहचानेगा? लिंक को, वेब पेज को, वेबसाइट को या वेब ब्राउजर को? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वेबसाइट को। ठीक है ना, वेबसाइट एड्रेस जो है वो वेबसाइट को पहचानने का ही काम करेगा। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP, जावा, PHP या SMTP। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब SMTP का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कल जिनका भी एग्जाम है तो एग्जाम देने से पहले सुबह 7 बजे की क्लास जरूर अटेंड कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस कल मैं आपको मॉर्निंग बताऊंगा वो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो सुबह 7 बजे की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद अभी 9 या फिर 9:15 में आपकी क्लास होगी, तो उसको भी आप जरूर अटेंड करिएगा। अब नेक्स्ट, नोट्स को और क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन, इंफॉर्मेशन, टोपोलॉजी या प्रोटोकॉल। तो नोट्स को हम वर्क स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्क स्टेशन के नाम से जानते हैं। अभी वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं, जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट, एप्लीकेशन सर्वर के स्तरों में शामिल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ट्रांजेक्शन सर्वर या उपरोक्त सभी। तो एप्लीकेशन सर्वर के स्तरों में ये सभी आपके शामिल हैं, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिना लाइक किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा। आपको सिर्फ एक लाइक करना है, और आपके लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो इसलिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से मैं उनकी हेल्प कर सकूं। जो पहली बार CCC का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक वीडियो आज ही मैंने पोस्ट किया है, वो उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, कैसे आपको एग्जाम देना है और कैसे ट्रिक आपको यूज करनी है वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है।
वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से भी आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ आप बनाए रखिए।